difference between SRAM and DRAM. SRAM for static RAM or D for dynamic. So difference between static RAM and dynamic RAM. ठीक है, static RAM for कैशे मेमोरी, मतलब कैशे मेमोरी में स्टैटिक रैम यूज़ होता है जो बहुत फास्ट है, एंड डायनामिक रैम जो मेन मेमोरी, मेन मेमोरी मतलब रैम, तो रैम में होता है डायनामिक, ठीक है, ये ऑल्सो रैम है, एंड कैशे मेमोरी भी ऑल्सो एक रैम, ठीक है। तो स्टैटिक रैम कैशे में होता है एंड मेन मेमोरी में डी रैम होता है, ठीक है। एंड स्टैटिक रैम फॉर एक्सपेंसिव है बहुत, ये लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है, क्योंकि कैश मेमोरी बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। और स्टैटिक रैम जो कि स्टैटिक है वो लेस पावर कंज्यूम करता है, पर जो जो डायनामिक रैम है वो बहुत ज़्यादा पावर ले कंज्यूम करता है, ठीक है। एंड स्टैटिक रैम इज अ मोर फास्टर, क्योंकि अगर कोई रैम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो वो तो फास्टर होगा, ठीक है। और एक स्टैटिक रैम है जो इट इज़ फास्टर, स्टैटिक रैम फास्टर एंड डायनामिक रैम स्लोअर, ठीक है, तो इट इज़ स्लोअर। एंड स्टैटिक रैम इज ए स्मॉल साइज बट डायनामिक रैम इज अ बिग साइज। स्टैटिक रैम को इलेक्ट्रिकली सप्लाई डज नॉट नीड, मतलब स्टैटिक रैम को काम करने के लिए इलेक्ट्रिकली सप्लाई को कोई ज़रूरत नहीं होता, पर जो डायनेमिक रैम है उसको लगता है, ओके। स्टैटिक रैम इज डिजिटल टाइप एंड डायनेमिक रैम इज लाइक एनालॉग टाइप, ओके, थैंक यू।